तो एक तू बार मेरे प्यार से। वाली हाँ स्टोरी बताओ। बताओ बताओ, एक्टर चलो बताओ। नहीं, मैं इनसे पूछ रहा, बताओ करके अच्छा मैं मेरी बताऊँ स्टोरी। एक। हाँ बताओ बताओ। एक बार हम रेडिटर जी के साथ एक रेस्टोरेंट गए थे, वो मेरे अंकल का फेवरेट रेस्टोरेंट है। वहाँ खाना खाना उन्हें बहुत, मतलब हाँ उधर का खाना बहुत स्वादिष्ट था। वहाँ हम लोग दोनों गए थे मिला। लंच पे एक बार, ठीक है। हाँ अब ये है बात, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बात हो गई है, मैं जब सेकेंड ईयर कॉलेज में था। आपके घर तो वाले आ गए थे? वहाँ जब गया तो हम लोग खाना खा रहे थे, हम लोगों ने मस्त एकदम मुर्ग मुसल्लम नान वान सब मंगा के, हाँ सलाद मंगा के खा रहे हैं, और एकदम से उस रेस्टोरेंट का दरवाज़ा खुला घर वाले आ गए। और अंकल, कज़न सिस्टर नहीं यार, और पेट पड़ गया। हाँ आंटी और उमंग भी था, उमंग और ऐसे ही कुछ। क्या होता है? उमंग उमंग हमारे गेमिंग हाउस में हमारा कलीग है साथ में, अच्छा, उमंग वो क्या उमंग। होता अच्छा है, अच्छा ठीक अच्छा है। अच्छा हाँ अच्छा वो मतलब मेरा ओके पहले फैमिली फ्रेंड है, तो उसके अच्छा बाद वो हमारे साथ यहाँ पे काम करते हैं हम लोग साथ में वैसे। ओके एंड सारे एंटर कर गए और उन्होंने मुझे देख लिया। तो साथ में अंगूठी लेके आए अब थे, वहाँ रिंग से लेके आए थे। अब वहाँ से खाना हजम ही नहीं हो रहा है, पैक करा लिया पूरा। फिर देखो मेरा तो फर्ज बनता है, अरे मैं क्या कुछ करके गलत चले काम तो जा रहा कर है नहीं फिर रहा था यार, लंच ही कर रहा था, ठीक है। क्या तो था? मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया ऐसे ऐसे जो भी है, और फिर मैं वहाँ से चला गया। फिर मैंने बोला रेडिएटर को कि देखो घर पे तो एक बार मतलब मम्मी से मिल लेते जाके, क्योंकि हम घर के बहुत पास थे, ठीक है, वरना ना इन लोग के मुंह से पता चलेगा ना कि मैं इधर ही था लंच पे, बेस्ती तो हो जाएगी, गड़बड़ हो काम जाएगी। खराब, तो गड़बड़ हो फिर जाएगी, मैं काम उसको खराब लेके हो चला जाएगी। गया घर और वहाँ मम्मी से मिल लिया ऐसे ऐसे टाइम पास, मतलब एकदम एज अ फ्रेंड, ओके। उसके बाद मेरा भाई कितना शैतान है, उसने उमंग को बोला कि ये नमन ने जानबूझ के बोली है बात ताकि तुम्हारे मुंह से पहले ना सुनाई दे। क्या बोलने का अभी? तो ये पहली बार था मॉडल भाई कि आपने जो हमारी भाभी को मिलवाया था उनसे, हाँ लाइक घर वालों से? हाँ ओके पहली नहीं बार ये होगा। हाँ मतलब पहली सही। बार वैसे नहीं मिलाया था कि एज अ फ्रेंड मिलाया था। अरे तो क्या बोला मॉम ने, क्या बोला? वो तो एज अ फ्रेंड था ना, कुछ जजमेंट ही नहीं था, कुछ नहीं था, मतलब कुछ कमेंट्स ही नहीं था उस बात पे। अभी क्या कहती है? ओके हैं घर वाले, राजी हैं, मतलब डन है? ओके तो है ही। हेलो मोर्टल भाई, बोलो। तो पहली बार कब मिलवाया? वो वाली स्टोरी बता, कैसे क्या बोल दिया? ये वो यही तो बोला अभी। अच्छा मतलब नहीं नहीं बोल नहीं नहीं के वैसे ऑफिशियली 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 उस टाइम। लाइक डन हो गया ना सब कुछ? मेरे ख्याल से अभी 1 साल पहले होगा, 1 साल पहले मिलाया था क्या वो तो डायरेक्ट, मतलब आ जाओ मिल लेते हैं, बात बात कर लेंगे, कुछ ना कुछ रिएक्शन क्या था फिर जो भी बात लाइक? करनी है। कुछ रिएक्शन नहीं था, ऑकवर्ड लग रहा था। ऑकवर्ड तो मतलब ऑब्वियस है, हम लोग यंग है तो ऑकवर्ड लगेगा ही थोड़ा सा, बाकी सब ठीक है, होना ही है कभी ना कभी। 2 साल गाइस, 2 साल के बाद। ये भैया अगर आप किसी दोस्त के साथ पकड़े जाते हो तो आपकी अम्मी का क्या रिएक्शन होगा जरा ये तो बताओ। अगर मैं किसी लड़की के साथ पढ़ता तो मेरे घर वाले कहेंगे शुक्र है भाई कोई तो मिली इसको, शुक्र है भाई कोई तो मिली भाई इस मुंह के साथ।